नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। नए नोट निकालने के लिए चौथे दिन भी सुबह 4 बजे से एटीएम के बाहर लगी लंबी लाइन। कतार में खड़े एक शख्स की मौत। नागरिकों की सहूलियत के लिए आज भी खुले रहेंगे बैंक। नागरिकों की मुसीबतों को कम करने के लिए जारी किए गए 500 के नए नोट। सूत्रों के मुताबिक नासिक नोट प्रेस ने आरबीआई को भेजी नोटों की पहली खेप। नोटबंदी पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, हालात सुधरने में लग सकता है 2 से 3 हफ्तों का समय। नागरिकों से अपील, अभी उठाई गई तकलीफ का भविष्य में मिलेगा बड़ा फायदा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की अपील। कहा, बैंकों के बाहर लाइन लगाकर खड़े लोगों की करें मदद। पानी पिलाकर और फॉर्म भरकर नोटबंदी की मार झेल रहे नागरिकों की मुश्किलों को करें कम। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सूफी दरगाह में विस्फोट, 52 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की भारी गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद। सपा की संसदीय बोर्ड की बैठक आज। नोटबंदी के फैसले पर सरकार को घेरने की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। राज्यसभा के लिए नए नेताओं के नाम पर भी लग सकती है मुहर। और बिहार के सासाराम के पत्रकार धर्मेंद्र सिंह की हत्या पर मचा बवाल, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। कल सासाराम में दिन दहाड़े अज्ञात लोगों ने गोली मारकर की थी पत्रकार धर्मेंद्र की हत्या। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।